नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास जो फंक्शनल गिवन है वो आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई एंड बाई डैश, आपके पास है बाई स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स बाई इंटू बाई डैश प्लस फोर टाइम्स बाई डैश स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शनल गिवन है और आपके पास वैल्यू गिवन है बाई एट ज़ीरो पे वन गिवन है एंड बाई डैश ज़ीरो पे आपके पास टू गिवन है, सॉरी वन व अपॉन टू गिवन है आपके पास बाई डैश ज़ीरो पे। आपके पास एक्सट्रीमल जो फाइंड होगा उसके बारे में पूछा हुआ है, वो कॉनवेक्स होगा कॉनकेव होगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ से जब भी आपको एक्सट्रीमल फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास नेसेसरी आइलर की कंडीशन है डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन है आपके पास। यहाँ से जब मैं डेल एफ ओवर डेल वाई फाइंड करूँगा तो टू बाई माइनस फोर बाई डैश ये मिलेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश फाइंड करेंगे तो माइनस के फोर बाई, इसका करेंगे तो प्लस के एट बाई डैश इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा ज़ीरो। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो टू बाई माइनस फोर बाई डैश माइनस माइनस प्लस फोर बाई डैश माइनस एट बाई डबल डैश इक्वल्स टू ज़ीरो ये मिलेगा मुझे। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास मिलेगा एट बाई डबल डैश माइनस टू बाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास आएगा बाई डबल डैश माइनस वन अपॉन फोर बाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशियंट। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बाई ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा सी वन ई की पावर वन अपॉन टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन टू एक्स। तो जब आप ये वैल्यू कंडीशन यूज करेंगे बाई एट जीरो पे वन बाई डैश जीरो पे वन बाई टू, तो आपको सी वन की जो वैल्यू मिलेगी वो वन मिलेगी, सी टू की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आएगी। तो यहाँ से बाई ऑफ एक्स आपके पास जो आएगा एक्सट्रीमल वो आएगा ई की पावर वन अपॉन टू एक्स, ये आपके पास एक्सट्रीमल होगा। अब आपके पास जो ई की पावर एक्स होता है फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कॉन्वेक्स फंक्शन होते हैं, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, सेकेंड ऑप्शन फॉल्स होगा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास यहाँ से जो आपने एक्सट्रीमल ऑप्टेन किया वो क्या है आपके पास बाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर वन अपॉन टू एक्स। अब आप जब x को रिप्लेस कर रहे हो किससे x1 वन प्लस एक्स टू से, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा e की पावर वन बाई टू एक्स वन प्लस एक्स टू, डेट इज आपके पास ये क्या मिलेगा e की पावर वन बाई टू एक्स वन इंटू ई की पावर वन बाई टू एक्स टू, डेट इज आपके पास बाई ऑफ एक्स वन इंटू बाई ऑफ एक्स टू। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा, फोर्थ आपके पास फॉल्स होगा। तो आंसर इज ए एंड सी।